Hi guys, welcome back to my channel Cracked Board 1920. Today we are discussing about function. सबसे पहले function क्या है? What is a function? F from A to B is a function if for all x belongs to A, there exists a single or a unique image in B. कोई भी रिलेशन एक फंक्शन होगा कब? जब उसके हर एलिमेंट डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है. कहाँ पर? रेंज या कोडोमेन में. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज हमने एक रिलेशन का सेट लिया है 1 1 1 2. 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 भी है और 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 भी है. फर्स्ट एलिमेंट जो डोमेन को बिलोंग करता है वो सेम है, लेकिन दोनों के इमेजेस क्या है? डिफरेंट है. दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट हैविंग मोर देन वन इमेज, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. नेक्स्ट 1 1 2 2, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन रेंज और कोडोमेन, देन दैट रिलेशन इज अ फंक्शन. सो वी कैन से ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन. नाउ सपोज एक एग्जाम्पल लिया है हमने, एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग वाई वन, एक्स टू के कॉरस्पॉन्डिंग वाई टू. डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन रेंज, सो इट इज अ फंक्शन. नाउ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग सेम इमेज इन रेंज, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. बट वेन सिंगल एलिमेंट ऑफ डोमेन having more than one images or any extra element exist in domain, then this is not a function. ठीक है, अब हमें use करने हैं कुछ types. In particular केवल 2 types आपने use करना है, 1 1 and 1 2. ठीक है, अब हम लेंगे 1 1 and. First type of function is 1 1 function or injective function or in short injection. अगर सपोज कहीं पे इंजेक्टिव फंक्शन की बात आती है तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 1 फंक्शन की. सबसे पहले डेफिनेशन, नाम से ही आपको लग रहा होगा 1 1, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन रेंज, दैट फंक्शन इज नोन एज 1 1 फंक्शन. डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैविंग डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी. ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं आप इसको? लेट एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, दिस इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू. दैट मीन्स अगर कोई टू एलिमेंट की इमेजेस हम इक्वल लेके स्टार्ट करें तो हम वहां से प्रूव कर पाएं कि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हैं, सेम हैं. ये सफिशियंट कंडीशन है प्रूव करने के लिए कि फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज देखिएगा, एफ एक्स हमें गिवन है x प्लस 1. ठीक है, वेयर एफ फ्रॉम आर टू आर, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन. कैसे प्रूव करना है? सिंपल, आपने स्टार्ट करना है एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 से. कभी भी 1 1 आपको प्रूव करना है तो आपने एफ एक्स 1 इक्वल टू लेना है एफ एक्स 2, वेयर एक्स 1 एक्स 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट डोमेन R. देन एफ एक्स वन, जो एफ एक्स आपको गिवन है वहाँ पे x को रिप्लेस कर दीजिए एक्स वन से. एफ एक्स टू, जो फंक्शन गिवन है वहाँ पे x को रिप्लेस कर दीजिए एक्स टू से. 1 1 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू. और ये सफिशियंट है प्रूव करने के लिए कि फंक्शन क्या है, 1 1. ठीक है, कोई भी लीनियर फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, 1 1 फंक्शन. अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की. क्वाड्रेटिक में डिपेंड करता है कि आपको डोमेन और रेंज क्या गिवन है. सपोज आपको गिवन है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में ये 1 1 होगा क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हैं. फिर से हमने प्रूव किया एफ एक्स, लेट स्टार्ट किया एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 से. ठीक है, एफ एक्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स 1 स्क्वायर. एफ एक्स 2 क्या हो जाएगा, एक्स 2 स्क्वायर. अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स 2, राइट. अब प्लस माइनस एक्स 2 का मीनिंग क्या है, एक्स 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक्स 1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस एक्स 2 भी
एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स दो डिफरेंट वैल्यूज़ की सेम इमेज. फॉर एग्जाम्पल आप 1 का स्क्वायर करें तो भी आपको 1 ही मिलेगा, और आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको क्या मिलता है, +1. तो -1 और +1 दोनों की इमेज क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन रियल नंबर्स में या इंटीजर्स में ये नॉट 1-1 का केस होगा. अ फंक्शन विच इज नॉट 1-1 दैट इज नोन एज मैनी 1 फंक्शन और नॉट 1-1. नाउ सेकेंड टाइप है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑन्टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन और इन शॉर्ट सर्जेक्शन. इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन इज सच दैट फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए. दैट मीन्स जितने रेंज के वैल्यूज हैं, जितने को डोमेन में एलिमेंट्स लाए करते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस डोमेन में लाए करें तो वो फंक्शन कहलाएगा सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन. अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज सेड टू बी इन टू फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई. हेयर एक्स इज प्री इमेज ऑफ वाई, वाई इज सेड टू बी इमेज ऑफ एफ एंड इमेज ऑफ एक्स, एंड एक्स इज नोन एज प्री इमेज ऑफ वाई. ठीक है, if f from a to b fx equals to x where a is 1 2 3 and b is again 1 2 3 then this function is onto function also 1 1 function. kyunki different elements ke different images hain aur codomain ke koi bhi point extra nahi hai jiski pre image exist nahi karti hai. theek hai, dusra example dekhiyega. suppose a is 1 2 3 and b is 1 2 3 4 but again function is this fx equals to x, then 1 ke corresponding 1, 2 ke corresponding 2, 3 ke corresponding 2, but this 4 is extra in codomain for which there is no pre-image in domain. That means since 4 belongs to b but there is no x belongs to a such that fx equals to 4, this function is not onto. जो फंक्शन नॉट ऑन टू है उसको हम क्या कह सकते हैं, इन टू फंक्शन. ठीक है, ये तो इसकी जस्ट डेफिनेशन है. आप एक दो क्वेश्चंस देखेगा जिसमें 1-1 ऑन टू दोनों प्रूव करने हैं और कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा. चलिए नेक्स्ट, अ फंक्शन विच इज 1-1 एंड ऑन टू इज बाइजेक्टिव फंक्शन. वैसे भी बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है टू कंडीशंस. अब यहाँ पे टू कंडीशंस कौन सी हम प्रूव करेंगे, 1-1 एंड ऑन टू. इफ अ फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन टू देन दैट फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन. तो कहीं पे भी अगर आपको बाइजेक्टिव शो करना है तो आपने 1-1 भी प्रूव करना है और फंक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी then g not f and we say this g composite f from a to c. suppose there are three sets a b and c, x ko y se relate karta hai function f, y ko z se relate kar raha hai function g. if we want to relate x to z then this is known as a composite function of g and f. If we want to relate this z to x then this is f composite g. That means f composite g from c to a. Right? Now g of fx is g of fx and f of g at y is f of gy. Like this. Okay? इसी से हम कन्वर्ट करते हैं, इसी से हम डिफाइन करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन. व्हाट इज इन्वर्टेबल फंक्शन, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू ए देन सच दैट एफ कंपोजिट जी इज जी कंपोजिट एफ एंड बोथ आर इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, आई एक्स इक्वल होता है एक्स के या आई वाई इक्वल होगा वाई के. जिस पॉइंट पर भी आप आइडेंटिटी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं उसी पॉइंट के इक्वल आपको इमेज मिलती है, तब हम कह सकते हैं देन जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स.
तो कभी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड एफ इनवर्स, कोई भी एक फंक्शन गिवन है उसमें हम ये ही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। अगर हमने जी को प्रूव कर दिया एफ इनवर्स के इक्वल, तो हमें वहाँ पे ये भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि इनवर्स एग्जिस्ट ही तब करता है कि जब फंक्शन वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा। ऐसा हमने क्यों कहा है, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक फंक्शन वन वन और ऑन टू, कि अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे, सपोज़ फंक्शन वन वन नहीं है तो एटलीस्ट टू एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी सेम इमेज होगी। जब आप जी की बात करेंगे, जी इज़ फ्रॉम बी टू ए, तो बी टू ए के लिए ये बी किसका काम करता है, डोमेन का, और डोमेन का सिंगल एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा इमेज रखता है तो वो फंक्शन का केस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो एटलीस्ट एक एलिमेंट को डोमेन में ऐसा होगा जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसका मीनिंग है, जैसे यहाँ पे हमने y3 लिया है, नाउ इन केस ऑफ g जब आप इनवर्स की बात करेंगे तो ये डोमेन का काम कर रहा है, और डोमेन में अगर एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा है जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज अगेन नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन का इनवर्स केवल एक ही केस में एग्जिस्ट करता है, व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर हमें कहीं पे इनवर्स फाइंड करना है और हमने कंपोजिशन की हेल्प से उसको फाइंड किया है, तो वो अंडरस्टूड है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो एफ और जी वाला मेथड हमें इजी पड़ता है इनवर्स फाइंड करने के लिए। सिंपल ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे एफ आपको गिवन है एक्स स्क्वायर एफ एक्स, और जी एक्स आपको गिवन है टू एक्स प्लस थ्री, आपको कंपोजिशन फाइंड करना है। एफ कंपोजिट जी एट एक्स, क्या मीनिंग है इसका, जो एक्स के नियर मोस्ट होता है पहले आप उसको ऑपरेट करते हैं, कंपोजिशन का साइन आपने रिमूव करना है, और ब्रैकेट में क्या लेना है, जी एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, जो जी एक्स की वैल्यू गिवन है वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ दिस टर्म, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ दिस टर्म क्या हो जाएगा, दिस टर्म स्क्वायर, यानी आपने इस वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देना है, x के प्लेस पर रिप्लेस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, g कंपोजिट f अगर हमें फाइंड करना है, तो अब हम ये कंपोजिशन का साइन रिमूव करेंगे, g ऑफ एफ एक्स पहले पुट करना है आपने एफ एक्स, नाउ g ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि g की वैल्यू क्या है, 2x प्लस थ्री, ये x स्क्वायर इस x से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अगेन सपोज हमें f कंपोजिट f फाइंड करना है, तो f ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स फोर, जी ऑफ जी एक्स जी ऑफ जी एक्स जी टू एक्स प्लस थ्री, नाउ टू टू एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री, यहाँ पर आपने x को रिप्लेस कर दिया 2x प्लस थ्री से, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं जो वन मार्क्स और टू मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए क्वेश्चंस हम इसके क्या लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज आप पहले अच्छे से वन वन ऑन टू फंक्शन और कंपोजिशन को क्लियर कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, वन मार्क्स भी, टू मार्क्स भी और फोर मार्क्स भी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, ओके। सो टिल देन, बाय बाय। What you gonna do? What you gonna do?